दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत। आजकल अखबारों के जगत में खबरों के जगत में बहुत गहमा गहमी है। चुनाव का मौसम है और मोदी जी जो मर्जी आए वो बोलते जा रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य जो रहा है वो ज़्यादातर समाज में विभाजनकारी बातों को ज़्यादा फैलाना, ताकि हिंदू मुसलमान में द्वेष बढ़े, मुसलमानों के खिलाफ देश बढ़े, और किसी भी बात का बहाना लेकर वो उस बात को खींच कर ले आते हैं। अभी जैसे उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि वो आपकी संपत्ति को हड़प लेंगे और उसका बड़ा हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे। उत्तराधिकार के बारे में जो सैम पिट्रोडा ने केवल अमेरिका के उत्तराधिकार कानून का उल्लेख किया था, वो इस बात को ऐसा मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस इस उत्तराधिकार के कानून को यहाँ लाना चाहती है। वैसे तो उत्तराधिकार का जो कानून था 1985 तक भारत में था और राजीव गांधी ने उसको अबॉलिश किया था। उसमें भी वो दोष लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसलिए अबॉलिश किया था ताकि वो इंदिरा गांधी की संपत्ति को प्राप्त कर सके। ये बात भी बिल्कुल गलत है, एक सैद्धांतिक तौर पर उसको हटाया गया। और ये जो कानून है उत्तराधिकार का टैक्स वाला, ये किसको लागू होता है? देश के 140 करोड़ लोगों में से ये कानून केवल मेरे ख्याल से 200-300 लोगों से ज्यादा को नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 लोगों को नहीं लगेगा। ये कौन है 1000-2000-3000-5000 लोग? ये वो हैं जो करोड़ों की संपत्ति, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति रखते हैं, उनके ऊपर वो कानून लगता है। एक सामान्य व्यक्ति के पास, जिसके पास थोड़े साधन है जीवन के, उस पर ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती। खैर, पर एनीवे, इस बात को कई लोगों ने माना है कि क्योंकि मोदी कह रहे हैं तो सच होना चाहिए, जबकि बात तो ये है कि मोदी ज़्यादातर इसी प्रकार की बातों को लाग लपेट करके एक नफरत की बात को फैलाने की बात करते हैं। वैसे तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, इसके पितृ संगठन RSS का सवाल है, इनका मुख्य उद्देश्य रहा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत को पैदा करना। और जो प्राचीन भारत में मनुस्मृति के प्रकार के मूल्य थे, जहाँ जन जात ऊंच नीच, वो लिंग की हो, जाति की हो या वर्ग की हो, जो उस प्रकार की ऊंच नीच थी, उसके मूल्यों का गुणगान करना। तो खैर, ये लोग इस्लाम को विदेशी धर्म मानते हैं, इस क्रिश्चियनिटी को विदेशी धर्म मानते हैं। क्रिश्चियन के खिलाफ तो उन्होंने बहुत प्रोपोगंडा कर ही दिया है कि क्रिश्चियन मिशनरीज ये यहाँ कन्वर्शन कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना मीटिंग पे भी अटैक होती है। और मुसलमानों के बारे में एक के बाद एक नई नई चीज़ों को ये जोड़ते जा रहे हैं। जैसे अभी 8 अप्रैल को क्या हुआ कि तेजस्वी यादव, बिहार के जो पहले उप मुख्यमंत्री थे, वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और उन्होंने मछली खा रहे थे। उन्होंने एक मजाक के तौर पर ट्वीट जारी किया कि देखो भाई, मैं मछली खा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। उनका ये कहना था कि वो टेस्ट करना चाहते थे कि BJP का जो IT सेल है वो कितना अंधा अनुकरण करता है। तो BJP के IT सेल ने अटैक किया कि देखो भाई, सावन के महीने में तेजस्वी यादव ये खा रहे हैं मछली, नॉनवेज खा रहे हैं, जबकि सावन का महीना 9 अप्रैल से चालू हुआ, वो ट्वीट 8 अप्रैल का था, 8 अप्रैल को उन्होंने खाया था। खैर, तो पहले तो उन्होंने एक्सपोज कर दिया कि ये जो ट्वीट आर्मी है, जिसको कई लोग दो रुपल्ली के सैनिक कहते हैं, उन्होंने उसको उठा लिया और तेजस्वी यादव के खिलाफ बहुत गलत बातें कही। खैर, इसके बाद बात आई नरेंद्र मोदी जी की, वो तो इसमें बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने बात को और अलग ट्विस्ट दे दिया। उन्होंने कहा कि सावन के पवित्र महीने में ये लोग नॉनवेज इसलिए खाते हैं कि ये बाकी हिंदुओं को चिढ़ा सके, चिढ़ाने के लिए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पिछले साल लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने मिलकर सावन के महीने में मटन पकाया था। और यहाँ से वो उन्होंने अपना यूजुअल प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि देखो भाई, ये जैसे ये उसी प्रकार से हैं जैसे मुगल थे। मुगल वो क्या करते थे, उनको केवल राजाओं को हराने में संतोष नहीं आता था, राजाओं को हराने के बाद वहाँ के मंदिर तोड़कर उनका अपमान करने में उनको संतोष मिलता था। अब ये बातें तो काफ़ी
तौर पे मैंने अपनी वीडियोस में स्पष्ट कर दी हैं कि मुसलमान राजा जो मंदिर तोड़ते थे उसके पीछे कोई और कारण नहीं था, वो ये तो एक बार प्रतिद्वंद्वता सत्ता के लिए करते थे या संपत्ति के लिए करते थे, और यही काम बहुत सारे हिंदू राजा भी करते थे। रिचर्ड ईटन ने तो इस पर पूरी एक किताब लिख दी है कि मुगल पीरियड के पहले हिंदू भारत में मंदिरों का ध्वंस जो हिंदू राजाओं द्वारा किया गया, और उसके सबसे बड़ा उदाहरण तो है कल्लण की राज तरंगिणी से, जिसमें वो बताते हैं कि राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे का निर्माण कराया था जिसका काम ही था मंदिरों से जाकर सोने चांदी की मूर्तियां, हीरे जड़ित मूर्तियों को उखाड़ कर लाकर राज दरबार में जमा करना। ऐसे ही औरंगजेब ने यहाँ कुछ मंदिर तोड़े होंगे, कहते हैं लोग 20-22 मंदिर तोड़े होंगे, वैसे उसने सैकड़ों मंदिरों को दान भी दिया। तो ये बात इसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, पर आज इस बात को प्रस्थापित कर दिया गया है कि मुगलों ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए इस प्रकार के काम किए। तो ये जो अभी मोदी जी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको आज तेजस्वी यादव के मछली खाने से मुगल राजाओं को उन्होंने जोड़ दिया। कमाल की बात है इस प्रकार का प्रोपेगेंडा समाज में चलता भी है। वैसे देखा जाए तो उन्हीं के दूसरे जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो हम उत्तर प्रदेश में अपराधियों को बिल्कुल सजा देंगे, या तो उनको जेल भेजेंगे या जहन्नुम भेजेंगे। अब ये जहन्नुम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसके पीछे भी एक इशारा है। वो महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र में उन्होंने हाजी मलंग की दरगाह का मामला उठाया। आपको बता दूं, हाजी मलंग ये पीर साहब की दरगाह है जिसपे कुछ हिंदुत्ववादी तत्व दावा कर रहे हैं कि ये मलंगगढ़ है, ये एक हिंदुस्तान, जैसे उन्होंने बेंगलोर में के पास बाबा बुदनगिरी की दरगाह के बारे में किया था, वैसे वो यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लुब्बो लुआब ये है कि इस प्रकार के मुद्दे जहाँ भी धर्म से जोड़े जा सकते हैं उसको जोड़ने में ये कोई कसर नहीं कहते। और जहाँ तक सावन का सवाल है, कई हिंदू निश्चित रूप से इस दौरान मांसाहार नहीं करते, पर कई लोग करते भी होंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है, पर इन्हें मौका मिल गया तो उसको वो एक बढ़ा चढ़ा कर एक प्रकार से विस्तार में ले जाकर इन चीज़ों को करते हैं, और यही उनकी राजनीति का एक बड़ा आधार है। अभी तो खैर जब से दूसरी बात आई है वो बात महत्वपूर्ण हो गई, उन्होंने राजस्थान की अपनी स्पीच में इसी बात को कहा कि कांग्रेस आपकी संपत्ति को छीन लेगी और वो मुसलमानों को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी, ऐसा नहीं कहा, ऐसा कहा कि जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और जो घुसपैठी हैं उनको दे देगी। अब ये भी एक इशारों में मुसलमान की तरफ इशारा था जो रिपोर्ट तौर से झूठा है। यहाँ ये बता दूँ कि मुसलमान अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक स्त्री अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है, इसमें हिंदू और मुसलमानों में केवल 0.5% का फर्क है। पहले फर्क ज़्यादा था, आज़ादी के बाद ये फर्क 3-4% था, 3-4 बच्चे थे, अभी केवल आधा बच्चा मुसलमानों के इसमें 0.5 रेट आए है, जो गिरते जा रहा है और कुछ सालों में ये भी दोनों में समान हो जाएगा। तो जहाँ सच्चाई है उस सच्चाई से मुंह मोड़कर झूठ के आधार पे लोगों के मन में एक नफरत की भावना पैदा करना, ये इस राजनीति का एक उद्देश्य है। उन्होंने हमेशा से विभाजनकारी मुद्दों को सामने रखा है, बाबरी मस्जिद से शुरुआत कर लीजिए, वहाँ भी उन्होंने यही बात सिद्ध करने की कोशिश की कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं का अपमान किया, जो पूरी तौर से गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि वहाँ कोई मंदिर था इसका सबूत नहीं है, वहाँ कोई भगवान राम का जन्म हुआ इसका भी कोई सबूत नहीं है। तो खैर, जैसे गोबेल्स ने कहा था, एक झूठ को आप बार बार फैलाओ तो लोग उसको सच मान लेते हैं, और उसी आधार पे हमारे समाज में नफरत बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। ऑलरेडी पिछले 30-40 सालों में, वैसे तो 100 सालों से नफरत फैलाई जा रही है, 30-40 सालों से और ज़्यादा, और पिछले 10 सालों में एकदम तेजी से नफरत फैलाई गई है। और इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, जो आज बात हो रही है भारत जोड़ो यात्रा की,
भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, मोहब्बत की दुकान की, वो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। और इस प्रकार की जो नफरत फैलाने वाली बातें धर्म के नाम की राजनीति करने वाले लोग करते हैं, वो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे विकास के खिलाफ है। हमें सच्चाई के आधार पर समाज को जोड़ने की कोशिश करना चाहिए, और जो इतिहास की सच्चाई है, जो आज की सच्चाई है, उसके आधार पर ही लोगों में अपना प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि देश का विकास हो सके सही मुद्दों। मुझे लगता है ये आज अभी इलेक्शन के माहौल में काफ़ी गलत तरीके से भाजपा के लोग इस प्रकार के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सच्चाई से पूरी तौर से दूर है। हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम सच्चाई के आधार पर समाज में चलें, और सच्चाई के आधार पर ही हम समाज को आगे ले जाने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें ठीक लगेंगी। अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।